Hello friends, myself Dancer Guwar and you are watching AHS Education YouTube channel. Before going to discuss about anything, I would like to say that please like, share and comment on my video as well as please subscribe my channel. So friends, today we shall discuss about curriculum according to Mahatma Gandhi ba Mahatma Gandhi ko moto anusare pathyakram kon hoba dorkar. So friends, I am again requesting you please like, share and comment on my video as well as please subscribe my channel. So friends, chalantu discuss koriba Mahatma Gandhi ko moto anusare pathyakram kon kon hoba dorkar. So friends, Mahatma Gandhi ko moto anusare प्रथम जो पाठ्यक्रम रहिबा दरकार सेटा होची बेसिक क्राफ्ट बा मौलिक धंदा बोली की जहाँ कह जाए एवं मौलिक धंदाटा निहाती आवश्यक कारण मनीष निजर अत्यावश्यक मौलिक आवश्यकता पूरण करने निश्चित भाव टंका दरकार पैसा दरकार एवं से टंका पैसा बिना काम तो मिले ना एवं से जो कम तेणु जदि जन मनीष जदि कम शिखि ताहले से निश्चित भाव से तार पैसा बा टंका रोजगार करि परिबो नाही एवं तार मौलिक आवश्यकता पूरण करि परिबो नाही तेणु करी से बेसिक क्राफ्ट बा धंदा को से तार तांकर जो पाठ्यक्रम रे अंतर्भुक्त करूथिले एवं सेथिरे से रखुथिले एग्रीकल्चर हैंडक्राफ्ट कारपेंटिंग गार्डनिंग बा आमे जहाँ कहि परिबा कृषि हैंडक्राफ्ट बा हस्तशिल्प कारपेंटिंग पढ़ई कम गार्डेनिंग बगीचा कम कि आहरी अनेक गुड़े कम जमी बनीकरण है किंबा झोट चाष है तंतु चाष है यू जिनस को से विशेष भाव आग्रह प्रकाश करूले जोटा कि स्टूडेंट मान शिखेवाई चेष्टा करूंकर पाठ्यक्रम से सब जिनस को से रखुले एनादर इज मदर टंग मातृभाषा आम आगर मध्य जानी जे मातृभूमि मातृभाषा ममता जहा हृदय जनमी ना ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणवा अज्ञानी रहिबे कहीं बा जहाँ भितर मातृभाषा एवं मातृभूमि प्रति कौन प्रकार स्नेह ममता ना ताकू आम ज्ञानी मान गहण से रखिपर ना बोल कि आम जदि कहवा सेटा ठीक कथा किंतु से अन्य अर्थ कहते या महात्मा गांधी अन्य अर्थ या कहते जे प्रकृत मातृभाषाटा हूँ एक एपरी भाषा जहाँ गोटे शिशु तार जन्म रु शुणी आसी थाए एवं बुझी आसी थाए तेणु से शिशु को जदि मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा दिजिव ताहले से बेस भाव रे शिक्षा को ग्रहण करि परिबो बट सठिक भाव रे शिक्षा को ग्रहण करि परिबो सठिक भाव रे बुझी परिबो बोली के से आशा रखुथिले तेणु करी से मातृभाषा को विशेष भाव रे ध्यान दउथिले एवं तांको मत अनुसार मदर टंग सुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बा मातृभाषा शिक्षादान रो माध्यम हेबा दरकार एनादर जो तीन नंबर जो पाठ्यक्रम विषय से कहते हूँ मैथमेटिक्स गणित जो गणित संख्या गणित एवं ज्यामितिक धारणा विषय निश्चित भाव स्टूडेंट मान पाठ पढ़ा दरकार जहाद्वारा कि समस्या रो केमिति समाधान करा जाए ता विषय जानपरिवे बोल कि से बेचना करूले एनादर इज सोशल स्टडीज बाहर आम कहे सामाजिक शिक्षा एवं ए जो सामाजिक शिक्षा अच्छी से इनक्लूड करूले आउ अनेक गुड़िया विषय मध्य एवं सेटा हूँ हिस्ट्री जियोग्राफी सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स आम जहाँ कहे ओडिया रे इतिहास भूगोल नगर विज्ञान एवं अर्थनीति एनादर करिकुलम अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज जनरल साइंस बा साधारण विज्ञान रे से अंतर्भुक्त करूले उद्भिद विज्ञान को प्राणी विज्ञान को भू विज्ञान को पदार्थ विज्ञान को एवं रसायन विज्ञान को बा आमे जहाँ को बटनी जोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री बोली की नाम करछे वर्तमान समय रे से सब जिनस को विशेष भाव आग्रह करूथिले कारण से चाहूथिले जे शिशु मानंक भितरे वैज्ञानिक चिंताधारा सृष्टि करिबा पई एनादर इज डांस म्यूजिक एंड पेंटिंग बा नृत्य संगीत एवं चित्र यो यार मुख्य उद्देश्य थिला जे प्रकृत शिशु मानंक भितरे सृजन शक्ति रो विकास करैबा बा सृजन शक्ति रो उन्मोचन करैबा ता संग को ए नृत्य संगीत एवं चित्र माध्यम रे तांकर मनोरंजन करिबा
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏନାଦର ଇଜ୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ବିଷମତା ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଷୟ ଦିଆଯାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ହିଁ ଘର ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀ ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସୋ ଏଇ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି କିଛି ଆଉ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।